भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे उनकी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर हजारों करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगे हैं इस बारे में कर्नाटक की अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई नेताओं के खिलाफ एफ दर्ज करने का आदेश दिया है आरोप है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के वित्त मंत्री ने जबरन वसूली की है हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की है अभिषेक तो मनु सिंघवी ने सुनिए अब इसका तीसरा पहलू क्या है आप ही लोगों ने यानी प्रेस ने अभी नहीं पिछले एक वर्ष के अंदर अनेक सार्वजनिक रूप से नाम किस्से कहानियां फैक्ट्स तथ्य डेट सब प्रकाशित की है इसलिए जो मैं कह रहा हूं नया नहीं है लेकिन क्या पैटर्न क्या रहा है पहला पैटर्न यह है कि आपने कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड किस तिथि पे लिया कितने का लिया उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर और उसके बाद यह जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड आपने स्वतः खरीदा यह आपको विश्वास दिलाया जा रहा है स्वतः इन्वर्टेड कॉमर्स में है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पर ढील दी गई इसके ये तीसरा पक्ष है इसके उदाहरण दसों हैं। मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में हैदराबाद से है दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए वो भी हैदराबाद से हैं। उनमें से कोई अप्रूवर बना किसी ने किस्सा कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के खरीदने के बाद तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है जिसको लगता है वो एक ही कंपनी है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है भारत सरकार के जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वही लेती है इसने लगभग हजार करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे हैं कर कई का, कार्रवाई हो रही है हुई चली रुक गई थम गई उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां हैं आंध्र प्रदेश में मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं जहां के और उदाहरण थे दक्षिण में इत्यादि इत्यादि मिस्टर रेडिड एंड सीज सेवरल कॉपोरेट कंपनीज बाय यूजिंग अक्यूज ए टू एंड सीज्ड सीईओ एंड एमडीज ऑफ द कॉपोरेट कंपनीज फियरिंग दटैक ऑफ अक्यूज डे टू मेनी कॉपोरेट कंपनीज फोर्स टू बाई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनल बॉन्ड बर्थ करोड़ उसके बाद नाम दिए हैं आंकड़े दिए हैं 230 थर्टी करोड़ एक केस में और कई करोड़ सब लिखा है एफ में और अंत में लिखा है कि इन इन प्रावधानों के अंतर्गत इन इन आईपीसी और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है और कुल आंकड़ा है आठ हजार करोड़ का मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं लेकिन यह सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है ना हिम्मत है न पूरा वो अकेली कर सकती है इसका आदेश इसकी संरचना इसका कार्य कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है